नमस्कार दोस्तों, महात्मा जी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पंखे की कॉइल को कैसे चेक कर पाएंगे कि पंखे की कॉइल ख़राब है या सही है, और इस पंखे की रनिंग कॉइल कौन सी है और स्टार्टिंग कॉइल कौन सी है ये भी चेक करेंगे इस वीडियो में। और एक पंखे में जो सीलिंग फैन होती है उसमें कौन सा कैपेसिटर लगाना बेस्ट रहेगा, सबसे बढ़िया कौन सा कैपेसिटर इस सीलिंग फैन में लगा सकते हैं, तो इस वीडियो में सभी कुछ बताएंगे पूरी डिटेल्स में। तो वीडियो को पूरा देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें इसी तरह का और वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे इस पंखे में देख सकते हैं चार वायर यहाँ पर निकले हुए हैं, दो रेड कलर के हैं और यहाँ पर दो येलो कलर के वायर हैं। इस प्रकार से चार वायर निकले हुए हैं, किसी किसी में तीन वायर निकले हुए रहते हैं। तो इसमें पता कैसे करेंगे कि रनिंग की कौन सी कॉइल है और स्टार्टिंग की कौन सी कॉइल है इसमें, और कैपेसिटर को किस वायर में कनेक्ट करेंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं इसके रनिंग की कॉइल और स्टार्टिंग की कॉइल कौन सी है। तो चेक करने के लिए आप सीरीज जो टेस्ट लैंप होता है उससे भी आप चेक कर पाएंगे रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल कौन सी है, और पंखे की कॉइल सही है या ख़राब है आप सीरीज बल्ब से भी इसको चेक कर पाएंगे, या सीरीज बल्ब अगर आपके पास नहीं है और इस प्रकार के मल्टीमीटर है तो आप मल्टीमीटर से भी बहुत ही आसानी से इसको चेक कर पाएंगे कि इसकी रनिंग कॉइल कौन सी है और स्टार्टिंग कॉइल कौन सी है और पंखे की वाइंडिंग सही है या नहीं, आप इससे भी पता कर पाएंगे। ये जो मल्टीमीटर है इससे भी पता कर पाएंगे बहुत ही आसानी से कि पंखे की कॉइल सही है या खराब है। तो चलिए मल्टीमीटर को यहाँ पे सेट कर लेना है, देख सकते हैं बजर की रेंज पे हमने सेट कर लिया है, बजर की रेंज पर सेट कर लेना है। यहाँ इस प्रकार से कंटिन्यूटी आनी चाहिए, इस प्रकार से देख सकते हैं बीप की आवाज़ आ रही है मल्टीमीटर में। तो चलिए यहाँ पे दो वायर को ले लेते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे रेड कलर की दो वायर को यहाँ पे आपस में इस प्रकार से टच करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं रीडिंग कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रीडिंग शो हो रहा है 230, इसमें रीडिंग शो हो रहा है दोनों रेड की वायर को टच करने पर इस प्रकार से। अब येलो कलर की दो वायर को यहाँ पे आपस में टच करेंगे तो यहाँ पे रीडिंग देख सकते हैं, यहाँ पे रीडिंग 193 यानी 193 इसमें रीडिंग शो हो रही है। तो यहाँ पे रेड कलर में रीडिंग ज़्यादा शो हो रही है, यहाँ पे देख सकते हैं 230 रीडिंग यहाँ पे आ रहा है, जिसमें रीडिंग ज़्यादा आएगा वो हमारे यहाँ पे रनिंग की कॉइल होगी। देख सकते हैं रेड कलर की वायर में रीडिंग सबसे ज़्यादा आ रही है यहाँ पे, इसलिए ये रनिंग कॉइल है, और येलो कलर की वायर में यहाँ पे रीडिंग कम आ रहा है। देख सकते हैं रेड कलर की वायर में रीडिंग यहाँ पे 193 आ रहा है, तो ये हमारी स्टार्टिंग की कॉइल है। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप फाइंड कर पाएंगे कि रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल कौन सी है। अब पंखे की कॉइल अगर अंदर से शॉर्ट है या नहीं शॉर्ट है आप इसको एक बार इस प्रकार से भी चेक कर पाएंगे, किसी भी वायर को इस प्रकार से एक मल्टीमीटर के प्रोब में यहाँ पे लगा लेना। उसके बाद यहाँ पे पंखे की बॉडी पर आपको इस प्रकार से मल्टीमीटर के एक दूसरे प्रोब को यहाँ पे टच करना है। इस प्रकार से अगर टच करते हैं और यहाँ पे रीडिंग शो होती है या बीप की आवाज़ आती है तो ये हमारे अंदर से कॉइल ख़राब होती है। इस प्रकार से चेक कर पाएंगे ख़राब कॉइल को मल्टीमीटर से भी। तो यहाँ पे हमारे जो रनिंग की कॉइल है ये हमारी रेड कलर की जो दो वायर है ये हमारी रनिंग की है, और ये दो येलो कलर की ये हमारे स्टार्टिंग की कॉइल है। अब इसको कनेक्शन कैसे करेंगे, तो एक रनिंग की और एक स्टार्टिंग की कॉइल को आपस में इस प्रकार से जोड़ लेना है। आपस में जोड़ने के बाद
तो देख सकते हैं यहाँ पे जोड़ लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी वायर को रनिंग और स्टार्टिंग को एक एक वायर को आपस में जोड़ लेना है, एक एक वायर को आपस में जोड़ लेना है इस प्रकार से। चाहे आप इस वायर को भी आपस में जोड़ सकते हैं इस प्रकार से, आपस में जोड़ लेना। उसके बाद इसको चलिए यहाँ से हटा देते हैं इस प्रकार से। तो ये हमारा कंडेंसर में ये दोनों वायर लग जाएगी, एक रनिंग की और एक स्टार्टिंग की, दोनों वायर कंडेंसर में लग जाएगी। अब यहाँ पे कंडेंसर कितना वैल्यू का यहाँ पे लगाना चाहिए इस सीलिंग फैन में, तो आप यहाँ पे 250 2.5 mFD का यहाँ पे कैपेसिटर लगा सकते हैं, या तो 2.25 mFD का भी कैपेसिटर लगा सकते हैं, या तो आप इन दोनों को नहीं लगाते तो 3.15 का भी यहाँ पे लगा सकते हैं। 3.15 mFD का भी कैपेसिटर बहुत सीलिंग फैन में लगा होता है, तो आप 3.15 का भी यहाँ पे लगा सकते हैं कैपेसिटर को। तो कैपेसिटर हम यहाँ पे जोड़ेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे रनिंग और स्टार्टिंग की दो वायर बची हुई है, इसमें हम कैपेसिटर को जोड़ लेंगे इस प्रकार से। कुछ कैपेसिटर के एक लेग को यहाँ पे जोड़ना है और दूसरी लेग को यहाँ पे जोड़ना है, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से रनिंग और स्टार्टिंग की एक एक वायर में हमने कैपेसिटर को जोड़ लिया है, इस प्रकार से जोड़ लेना है। उसके बाद अब हम इसमें पावर कहाँ देंगे, जो लाइन हम देंगे वो हम देंगे यहाँ पे, एक वायर यहाँ पे जोड़ेंगे, जो मेन सप्लाई जो आएगी वो हम एक वायर को यहाँ पे जोड़ेंगे और दूसरी वायर को एक कैपेसिटर के कोई भी एक सिरे पे जोड़ना है। अगर इसमें जोड़ते हैं एक वायर को और पंखा अगर उल्टा घूम रहा है तो आप इसमें नहीं इसमें जोड़ सकते हैं। अगर इसमें जोड़ने के बाद अगर पंखा सीधा चल रहा है तो इसको रहने देंगे आप। उसके बाद अगर इसमें जोड़ने के बाद अगर पंखा उल्टा घूमता है तो आप इसमें जोड़ सकते हैं, इसमें पंखा सीधा चलेगा तो इसमें फिक्स कर देंगे इस प्रकार से। उसके बाद ये जो मेन वायर है आप एक वायर को यहाँ फिक्स रहने देंगे, चेंजिंग आपको यहाँ पे करना है, इन दोनों वायर में आपको चेंजिंग करना है, पंखा अगर सीधा घूमे या उल्टा घूमे तो यहाँ चेंजिंग करना है, इसमें आपको फिक्स रहने देना है। तो कुछ इस प्रकार से पंखे की कनेक्शन की जाती है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल में नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर, जय हिंद।